सोच के देखिए, एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट तो सब करते हैं, यहाँ तक कि नेशन की ग्रोथ में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। पर अगर उसी सोसाइटी को उस प्रोफेशन को एडॉप्ट करने के लिए कहा जाए तो 95% लोग सीधे मना कर देते हैं। पर ये प्रोफेशन है कौन सा? एक ऐसा प्रोफेशन जो बाहर से तो अच्छा पर अंदर से खोखला है। मैं बात कर रहा हूं टीचिंग प्रोफेशन। अगर टीचिंग इतना ही रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है तो भारत में ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा टीचर्स आज अपनी जॉब से खुश नहीं है। और जहां एक बच्चा डॉक्टर, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, इंजीनियर बनने के सपने देखता है, क्यों कोई भी टीचर नहीं बनना चाहता? खराबी हमारे सिस्टम में है, उसमें बैठे लोगों में है, या फिर उसे परसीव करने वाले स्टूडेंट्स या उसे पढ़ाने वाले टीचर्स में है। वेलकम टू द हार्श एंड अगली साइड ऑफ टीचिंग, जिसमें हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स और कोचिंग के टीचर्स की ऐसी रियलिटी के बारे में जो काफी ओवरवेलमिंग और डिस्टर्बिंग है। 90% ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड कोचिंग में काम करने वाले टीचर्स अंडरपेड, पुअरली पेड और एक्सप्लॉइट किए जाते हैं बाय द स्कूल और कोचिंग मैनेजमेंट। हर साल हजारों टीचर्स जो अपने प्रोफेशन के लिए पैशनेट है वो अपनी जॉब क्विट करते हैं बिकॉज ऑफ लो सैलरी, और जो अंडरपेड होने के बावजूद भी काम करते हैं वो ओवर यूटिलाइज किए जाते हैं भारत में प्राइवेट स्कूल्स एंड कोचिंग के टीचर्स का। एक्स्ट्रा बर्डन देकर काम करवाने का जो ट्रेंड चलते आया है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ तक कि कुछ टीचर्स को थ्रेटन किया जाता है कि वो एडमिशन लेकर आए कोचिंग और स्कूल्स में, इसके साथ साथ जो ये नहीं करते एक्चुअल में उन्हें निकाला भी जाता है और ऐसे काम करवाए जाते हैं जो उनकी वर्क प्रोफाइल में कहीं से कहीं तक है ही नहीं। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि जब टीचर हायरिंग की बात आती है तो स्कूल्स और कोचिंग यूजुअली प्रिफर करते हैं ऐसे टीचर को जो अंडर एक्सपीरियंस्ड है। ऐसा करने से उनकी कॉस्ट बचती है, पहली रिक्रूटिंग और स्टाफिंग की और दूसरी सैलरी की, क्योंकि अनट्रेन टीचर को इजीली मैनिपुलेट करा जा सकता है एंड दे वर्क वेरी लो वेजेस। अच्छे से अच्छे एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कूल में भी टीचर्स के पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, स्कूल मैनेजमेंट उन्हें कभी भी डिसमिस कर सकता है, और यही हालत है कोचिंग सिस्टम की। और दुख की बात तो यह है कि जब भी किसी टीचर को फायर किया जाता है तो दो कारण दिए जाते हैं, स्कूल की ग्रोथ या कोचिंग की ग्रोथ, और दूसरा विदाउट एनी रीजन, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है। मोस्टली ये स्कूल समर वेकेशन से पहले अपने मोस्ट स्टाफ को फायर करते हैं सिर्फ एक्सपेंस बचाने के लिए, जबकि स्टूडेंट से फीस एडवांस में रिसीव करते हैं पूरे साल की। ये एक नॉर्म और एक ट्रिक बन चुका है स्कूल ओनर्स के द्वारा, जिसका शिकार हजारों टीचर्स कई साल होते हैं। ये सब चीज हमारे सामने एक सवाल खड़ा करती है कि क्या सच में टीचर्स को वो रिस्पेक्ट दी जा रही है जो वो डिजर्व करते हैं? और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के नजरिए से देखो तो जहां पर हर जॉब, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो या डॉक्टर की हो, गवर्नमेंट से ज्यादा सैलरी मिलती है प्राइवेट सेक्टर में, बट यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। जहाँ गवर्नमेंट टीचर की सैलरी काफी हाई होती है, वही प्राइवेट स्कूल या कोचिंग के टीचर की सैलरी बहुत कम होती है। कुछ ही एक्सेप्शन केस होते हैं जहां पर उन्हें बहुत बड़ी सैलरी दी जाती है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं टीचर्स कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, तो अंडररेटेड सिर्फ स्कूल टीचर नहीं है, कोचिंग टीचर नहीं है, इवन गवर्नमेंट टीचर की भी यही स्थिति है। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहोगे, क्योंकि ये जो स्थिति आज टीचर की है, इसे कैसे एक टीचर खुद से सुधार सकता है, हम उस बारे में भी बात करेंगे। कहाँ कहाँ पर टीचर्स को किन किन चीजों का ध्यान रखना है, हर छोटे से छोटे पहलू पे बात करेंगे। शायद इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग मेरे अगेंस्ट कुछ लिखना चाहेंगे, मैं उन्हें भी न्योता देता हूँ, कमेंट में आप जो लिखना चाहे यू आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि मैं जो बात यहाँ पर कह रहा हूँ, मैंने काफी रिसर्च के बाद में इस वीडियो को बनाने की हिम्मत की है। जितनी जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट स्कूल के टीचर के पास होती है, लगभग सेम कोचिंग टीचर्स के पास में होती है, ना के बराबर। इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री काफी अलग अलग चैलेंजेस फेस करती है। एक अच्छा लाइवलीहुड अर्न करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। बचपन में हम सब ने एक कोट सुना होगा, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। लोगों को लगता है कि कोचिंग टीचर्स अंधा पैसा छाप रहे हैं, पर रियलिटी ये नहीं है। अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते तो आपको बता दूं कि टीचर्स को एक्चुअल में कोचिंग फीस देती है मंथली बेसिस पे नहीं, आर्ली बेसिस पे। जितने लेक्चर्स वो लेंगे उतनी ही फीस उन्हें मिलेगी,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 लेक्चर लेते हैं तो आपको 5 लेक्चर के हिसाब से पैसा मिलेगा, अगर आप 8 लेक्चर लेते हैं तो 8 लेक्चर के हिसाब से पैसा मिलेगा। मतलब आपको सिर्फ फिजिकली अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने सारे लेक्चर्स लेना इजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग में हम जैसे जॉब करते हैं, हमारी जॉब क्या होती है, 5 घंटे में से अगर 4 घंटे हमने काम नहीं किया तो भी काम चल जाता है, पर टीचर के केस में ऐसा नहीं होता। टीचर लिटरली स्ट्रगल करता है उस 8 घंटे की जॉब के लिए भी। और रियलिटी की बात यह है कि एक कोचिंग अपनी बैचेस के अकॉर्डिंग ही जॉब देता है। अगर सपोज ऐसा हुआ कि एक कोई टीचर है जिसने 3 ही लेक्चर मिले हैं तो उसके पास में उसका सीधे सीधे मंथली इनकम कम हो जाएगा, वो टीचर क्या करेगा उस केस में, वो अलग अलग कोचिंग में जाकर गेस्ट लेक्चर लेता है। और यहां पर भी दिक्कत खत्म नहीं होती, यहां पर अच्छी कोचिंग अलाउ ही नहीं करती कि किसी दूसरी कोचिंग पे जाकर लेक्चर ले। तो इसका मतलब यह है कि ये बड़ी कोचिंग अगर 3 लेक्चर एक टीचर को दे रही है तो वही 3 लेक्चर सिर्फ वो ले सकता है, अगर वो 3 कहीं और लेगा तो उसे यहां से भी हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में एक टीचर्स को काम करना पड़ता है, स्पेशली इन कोचिंग। देखिए यहां पे आप बहुत सारे कोचिंग ऑनर्स मुझसे नाराज भी हो सकते हैं इस स्टेटमेंट को लेके, पर रियलिटी ये है जहां आपकी बेंच में 100 बच्चे होते हैं और एक स्टूडेंट से आप मिनिमम 50,000 रुपये फीस लेते हैं, बट उसी 6 महीने के कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए 4 लोगों की टीचर की टीम को आप अपनी अर्निंग का 50% भी नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा शॉकिंग फिगर है, मैं और बड़ी ब्रांड के साथ तो सबसे ज़्यादा वो है। देखो एक कोर्स को कंप्लीट कराने में अगर एक टीचर को 50,000 महीना मिलता है और वो 3 महीने में एक कोर्स को कंप्लीट कराता है तो आप देखो कोचिंग का बड़ा प्रॉफिट होता है। मैंने खुद ने कोचिंग चलाई है, मैं इस बात को पूरी तरीके से जानता हूँ। तो हर टीचर को इस बात का नॉलेज भी नहीं होता कि वो एक्चुअल में जिस कोचिंग में काम कर रहा है उस कोचिंग से उसे कितनी अर्निंग मिलती है। और इसी केस में देखो कोचिंग केस में बहुत बड़ा लूपहोल ये होता है जब एक कोचिंग ऑनर एक टीचर को खुश नहीं रखता और वो टीचर कैपेबल होता है सेम उन्हीं बच्चों को लेके या फिर नया कोचिंग खड़ा करता है और उन्हीं का कॉम्पिटिटर बनता है। यही रीजन है भारत में एक कोचिंग नहीं बहुत सारी कोचिंग आते जा रही है, क्योंकि जो टीचर है उसे उस लेवल की सैलरी ही नहीं मिल रही है कोचिंग ऑनर्स के द्वारा। तो अगर आप कोचिंग ऑनर्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखिएगा, आपको सबसे ज़्यादा खुश रखना है अपने टीचर्स को, और टीचर्स को खुश रखने के लिए आपको उन्हें उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग पे ज़रूर करना है, उनको जॉब सिक्योरिटी देना है। तो आपका टीचर भी छोड़ के आपको जाएगा नहीं, टीचर किसी लालच से नहीं छोड़ता, टीचर छोड़ता है उसके बेसिक नीड की वजह से। बढ़ते कॉम्पिटिशन के चलते और कोविड के बाद में टीचर्स के बीच में होड़ लग गई कि भैया ऑनलाइन आओ, जैसे खान सर, विकास देवी कृति सर बड़े नाम लाखों करोड़ों रुपए छाप रहे, हम भी छापेंगे, उतना नहीं तो कुछ तो करेंगे। बस इसी के चलते आज के टाइम पे हर दूसरे टीचर का यूट्यूब चैनल है और वो उस यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यूसली बैक टू बैक वीडियोज बनाते चला है। और रियलिटी ये है कि एक टॉपिक पर जहाँ पर लाखों वीडियोस आज की डेट में अवेलेबल है, आप ग्रो कैसे करेंगे? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पर एक सच्चाई से आपको अवगत करा रहा हूँ। और इसी कंपटीशन के चलते वो टीचर्स जो बिल्कुल बेसिक मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, नॉर्मल वीडियो क्वालिटी पर लेकर आ रहे हैं, बच्चा उनका वीडियो देखना ही प्रेफर नहीं करता है। ये रियलिटी है, हम लोग इसे लाख कहे कि देखिए हमारा स्टूडियो सेटअप का काम है, हम स्टूडियो सेटअप कराते हैं, और जब स्टूडियो सेटअप कराते हैं तो ये चीज़ भी मैं एनालिसिस करते आया हूँ अपने कई सालों के एक्सपीरियंस पे। आज के टाइम पे जितने स्टूडेंट्स हैं सबको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है, सबको अच्छी क्वालिटी में पढ़ना है, सबको कंटेंट बहुत ईजी वे में चाहिए, किसी को कॉम्प्लिकेटेड भाषा में नहीं समझना है, कम समय में बहुत कुछ समझना है, ये ट्रेंड आ चुका है। अब एक इंडिविजुअल टीचर्स कंपटीशन किन से होता है, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनी के एक्सपर्ट लोग, एक्सपर्ट टीम खड़ी होती है, वहां पर एक टीचर के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो लाखों का खर्च करके भी टीचर हताश परेशान ही होता है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, आज अगर 50 टीचर फेल हो रहे हैं तो 50 नए टीचर सक्सेस भी हो रहे हैं। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि अगर आप YouTube या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे इनिशिएटिव ले रहे हो इंडिपेंडेंट टीचर, तो आपको इस बात का तो ध्यान रखना है कि आपको बेसिक क्वालिटी, स्टूडियो सेटअप और इन सब की क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाना है। तो अगर आप भी स्टूडियो सेटअप करना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम उससे गाइडेंस ले सकते हैं। बेचना मेरा मोटिव नहीं, पर आपको सही तरीके से गाइड करना मेरा मोटिव है, ताकि आप जब भी शुरू हो तो आप एक ब्रांड दिखे। एक बात मजे की बताता हूँ, मैं अपने 10x10 की रूम में ही शूटिंग करता हूँ और जो मेरी एडिटिंग टीम और मेरी रिसर्च इस कंटेंट को रीच बनाती है। आप देखेंगे मेरा कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री के ऐसे बड़े प्लेयर से है जिनकी मल्टीनेशनल कंपनी है, हम सिर्फ इस 2 रूम के अंदर इस पूरे बिजनेस को चलाते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है ऑनलाइन में,
और सेम आप भी टीचर इस तरीके से कर सकते हो, बट आपको परफेक्शन की नीड है। इस पूरे वाक्या को बताने का मेरा एक ही मोटिव था कि टीचर को पहले ये चीज समझनी पड़ेगी। मजबूरी में आप YouTube पर तो ग्रो नहीं कर सकते, आप ऑनलाइन तो ग्रो नहीं कर सकते। अब बात चली रही है तो मैं गवर्नमेंट टीचर का भी नाम ही ले लेता हूँ। अक्सर आप देखते होंगे Instagram पे, YouTube पे, जगह जगह पर आपको ऐसे टीचर मिल जाएंगे जहां पर उनसे दो का पहाड़ा, एप्पल की स्पेलिंग, एलिफेंट की स्पेलिंग पूछी जा रही है और उनका मजाक बनाया जा रहा है। आपने सिर्फ एक पहलू देखा है, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और मेरे जितने भी सरकारी स्कूल के टीचर थे वो काफी ज्यादा एजुकेटेड थे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा दी, जिसकी वजह से मैंने गवर्नमेंट लेवल पर भी कुछ अच्छा ही काम किया है। तो हर टीचर वैसा नहीं होता, बट इस सिस्टम का प्रेजेंटेशन ऐसा हो चुका है कि गवर्नमेंट टीचर को एक्चुअल में वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। और अब मजे की बात तो ये है, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेशन में ग्रो करने के लिए आपको अच्छी सुविधाएं मिलना चाहिए। टीचर के पास में दो चैलेंज होते हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे बहुत सारे होते हैं और कुछ स्कूलों में तो बच्चे ही नहीं आते हैं, टीचर पढ़ाएगा किसको। तो ये सिर्फ और सिर्फ टीचर की गलती नहीं है, जहां पे टीचर पे क्वेश्चन उठाया जा सकता है। हमारे टाइम पे तो हमें टीचर मार दिया करते थे, बट आज के टाइम पे प्राइवेट स्कूल कोचिंग यहाँ पर मारना भी अलाउ नहीं है, जिसका फायदा उठाता है। कई बार आप देखोगे ऐसे सिनारियो आपको देखने को मिलेंगे जहां पे स्टूडेंट टीचर को मार देता है और स्टूडेंट टीचर को मारने के बाद में उसी टीचर को स्कूल से रस्टिकेट किया जाता है। ये स्थिति है आज टीचर की। आप इसे कैसे सुधार सकते हैं? तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि आज की डेट में एज ए टीचर अगर आपकी डिमांड है कोचिंग या किसी भी स्कूल में, तो आप इसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं। आपको लीगली समझना होगा, आपको एक सिक्योर बॉन्ड करना होगा किसी भी कोचिंग, किसी भी स्कूल इंस्टीट्यूट के साथ में, जहां पर आपको ये जॉब सिक्योरिटी मिले। देखिए, अगर आप एक अच्छे टीचर है तो कोई भी कोचिंग ऑनर, स्कूल ऑनर आपको 100% जॉब सिक्योरिटी देने के लिए आगे खड़ा होगा। और दूसरी चीज आपको समझना होगी कि लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स को शॉर्ट टर्म गोल के लिए। कई बार टीचर्स की भी ये गलती होती है, एक कोचिंग में पैसा अच्छे मिल रहे, किसी ने इंस्टेंट कोचिंग करना चाहिए तो उसने पैसे बढ़ा के दिए। आप बिलीव करिएगा, अनएकेडमी ने क्या किया, कई टीचर्स को बड़े बड़े कोचिंग से उठाया, यूज किया और उसके बाद उनको पैसे देने के लिए पैसे नहीं बचे। ऐसी गलती जब टीचर कर देता है तो एक्चुअल में अपनी रियल टाइम लाइफ में वो इतना बड़ा लॉस झेल लेता है कि उसके बाद वो उठ नहीं पाता। ये बहुत बड़ा लूप होल है, इसे लालच कह सकते हैं जो टीचर के अंदर होती है। इस चीज से टीचर को हमेशा बचना चाहिए। कई बार टीचर खुद एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से जाता है कि उन्हें 10 times ग्रोथ मिल गई। आपको समझना होगा जो आपको 10 times ग्रोथ दे रहा है उससे आप किस तरीके का एग्रीमेंट करवा रहे हो। देखो, जो भी एडटेक कंपनी या सिंसियर कंपनी होती है ना, उनके पास में लॉ की टीम होती है और जब वो आपसे बॉन्ड साइन कराते हैं तो पूरा का पूरा बॉन्ड होता है वो एक तरफा होता है और वहीं पर टीचर फंसता है। तो कभी भी कोई आपको कोई ऐसी लालच दे तो उस लालच का आप मीनिंग समझिएगा कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, इसी के कारण मात खाता है। एक टीचर जब ये सोचता है कि उसे कोचिंग बनाना है खुद का, तो वो वहां पर भी लॉस करता है। मैं इंदौर के एक ऐसे हब में बैठा हूँ जहां पर आए दिन एक कोचिंग खुलती है और एक कोचिंग बंद होती है। आपको ये समझना होगा कि सिर्फ टीचर से कोचिंग नहीं चलती, कोचिंग को चलाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत होती है। और जब एक टीचर, अच्छा टीचर निकलता है और बोलता है कि मैं अपनी खुद की कोचिंग खोलूंगा, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसे टीम मैनेजमेंट नहीं आता, उसे फीस मैनेजमेंट नहीं आता, उसे मार्केटिंग नहीं आती और वो सब करने निकल जाता है और इसी बीच वो अपने करियर को बहुत ही बड़े रिस्क में लेके आता है। तो कभी भी आपको ऐसे कोई क्विक एक्शन नहीं लेना है और जहां पर भी आपको काम करना है बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बॉन्ड से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाने के लिए तैयार हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ा रीजन जब मैं इस टॉपिक को स्टडी कर रहा था तो मुझे ये भी पता चला कि हमारी सोसाइटी के बीच में टीचर्स की वैल्यू एक बिजनेस ऑनर की तरह ही है और वो होना भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट टीचर अपना 100% कैसे दे पा रहा है, टीचर खुद उस अवेयरनेस को कैसे जनरेट करता है। आज आपका एक बहुत बड़ा रोल है कि आपको अपनी इंपॉर्टेंस अपने चैनल के माध्यम से, अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से, अपनी वैल्यू के माध्यम से आपको देना होगी और आपको अपने छोटों को भी ये टीच करना होगा। इस वीडियो को अगर कोई नॉन टीचिंग कैटेगरी का पर्सन देख रहा है तो उसे समझना पड़ेगा कि टीचिंग की, टीचर्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है और इसी इंपॉर्टेंस को अवेयरनेस में कन्वर्ट किया जाए। यहाँ पे इंडिविजुअल आपका, मेरा और हर किसी का एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टुवर्ड्स द इंडियन टीचिंग कम्युनिटी। हाँ, हालांकि आज के टाइम पे खान सर, विकास द्विवेदी सर जैसे टीचर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है, बट उन्हीं के जैसा बनने की ख्वाहिश में टीचर्स कुछ ऐसे स्टेप ले लेते हैं जो बहुत ही शॉकिंग होते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ एक स्कूल टीचर की, हरासमेंट की, आपको तब समझ में आएगा कि किस लेवल पे ये प्रॉब्लम है। मिसेस जया, जिन्होंने 1999 में अपने टीचिंग करियर की शुरुआत की थी विद अ सैलरी ऑफ 3500,
पे कम होने के बावजूद भी वो अपना काम डेडिकेशन के साथ पैशन के साथ करती रही। उनके 14 साल के करियर में उन्हें 3 बार बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला और उनके स्कूल ने काफी ग्रो किया। जो स्कूल कुछ कमरों से शुरू हुई थी, मैम ने उनका साथ दिया था, उनके साथ खड़ी थी। आज वो स्कूल, जिस समय की बात कर रहा हूँ, उसमें बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग कोर्ट और बसेस सब कुछ अवेलेबल है। मतलब वो स्कूल एक बड़ा स्कूल बन गया। आगे स्टोरी को समझिएगा। अब 2008 आ जाता है और 2008 में मैडम की सैलरी 28,000 है। अब इन्हीं टीचर ने क्या किया, इन्होंने कोर्ट में एक स्टेटमेंट जारी किया और अपनी एक अपील लगाई, पिटीशन फाइल किया कि 28,000 सैलरी जो उनको स्कूल देता था, स्कूल का मैनेजमेंट उनसे 6,000 वापस उनसे ले लेता था और इसकी कोई रिसिप्ट और इसके कोई प्रूफ नहीं दिए जाते थे। यही प्रॉब्लम उन्होंने अपने उसमें रेज करी। देखिए, कोई भी टीचर अपनी सैलरी से 6,000 रुपये वापस देना नहीं चाहेगा मैनेजमेंट को, पर मजबूरी थी तो देना ही पड़ता था। अब इस बीच उनकी तबीयत भी खराब हुई, उनका एक ऑपरेशन था, वहाँ उन्हें 1.5 लाख खर्चा आना था। वहाँ पर भी वो जो फंड 6,000 रुपये भरते थे, वहाँ से उन्हें पैसा मिलना था, पर वो फंड का पैसा भी उन्हें स्कूल मैनेजमेंट ने वापस नहीं दिया। ये ऐसी हरासमेंट होती जब आपको बीमार होते और आपको ज़रूरत होती तो कंपनी अक्सर सपोर्ट करती है, पर स्कूल ने साफ साफ मना कर दिया। इसी के चलते उन्होंने स्कूल पे केस भी किया। अब ऑपरेशन कराने के बाद में जैसा कि होता है कि वो फिर से स्कूल ज्वाइन करना चाहती है। वो स्कूल ज्वाइन करने गए पर स्कूल मैनेजमेंट ने उन्हें स्कूल ज्वाइन करने में उनका लिस्ट में नाम ही नहीं था। इस बात से हताश परेशान फिर से मैडम एक बार कोर्ट जाती है। अब कोर्ट इस बात को पूरा समझ कर स्कूल को आदेश देती है कि आपको मैडम को अपॉइंट करना होगा। मैडम फिर से जाकर स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट करती है। अब देखिए मजे की बात कि जहां पर आपको काम फोर्सफुली करना पड़े और बाकी लोग भी आपको एक्सेप्ट ना करें तो वहां पे काम करना कितना मुश्किल होगा। वही हरासमेंट चालू होती है, वही प्रॉब्लम बनना स्टार्ट होती है। मैडम वहां पर काम नहीं कर पाती है एंड ये स्थिति है कि जहां पर 6,000 देना, मेडिकल में सपोर्ट ना मिलना, उसके बाद कोर्ट का आदेश के बाद भी उस स्कूल में सर्वाइवल ना बन पाना। अब देखो, जिस एज में मैडम होगी उस एज में स्विचिंग करना इतना आसान नहीं होता। हर कोई चाहता है यंग टैलेंट को रखना, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके लिए जॉब स्विचिंग इतनी, स्पेशली टीचिंग डोमेन में, इतनी आसान नहीं होती। इसी के चलते मैडम के पास में क्या ऑप्शन था, या तो वो स्कूल छोड़ दे। इस बीच स्कूल ने उन्हें इस बात के लिए प्रेशराइज किया कि वो फॉर्मल वे में स्कूल से माफीनामा दे कोर्ट के सामने। और मैम जानती थी कि अगर इन्होंने ये दिया तो स्कूल उनके अगेंस्ट डिफॉर्मेशन का भी केस कर सकता है, मानहानि का केस किया जा सकता है। मैडम के पास में एक ही ऑप्शन था, मैडम ने जॉब लिफ्ट करी। ये एक जया मैडम की कहानी नहीं है, ऐसे कई हजारों टीचर हैं जो इस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मेरे अपने रिलेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा इतना परेशान किया जाता है और उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं। मैं गवर्नमेंट टीचर की बात भी कर रहा हूँ यहाँ पर, कोचिंग की भी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। यही सारी चीज़ों के चलते तो आज एक टीचिंग कम्युनिटी इतनी परेशान है। इस मुद्दे पर कोई खुल के बात क्यों नहीं करता, क्योंकि हम टीचिंग को कैसे देखते हैं, एक सेवा के भाव में, है ना। जैसे हम पंडितों को देखते हैं कि भैया पंडित तो दान दक्षिणा पे चलने वाले पंडित हैं, उनका कोई प्रोफेशन नहीं है। टीचिंग की भी यही स्थिति है। पर अगर एक टीचर कहे कि भाई टीचिंग एक बिजनेस है, या मैं कहता हूँ टीचिंग एक बिजनेस है, तो आप एक्सेप्ट नहीं करते। जो पूरे इस इकोसिस्टम को किया जाता है वो बिजनेस से भी वर्स किया जाता है। बिजनेस में एथिक्स होते हैं, मुझे लगता है कई बार कई कोचिंग स्कूल्स और ऐसे एजुकेशन डोमेन में कुछ एथिक्स भी नहीं फॉलो किए जाते। हालांकि टीचर्स बड़े अच्छे से एथिक्स पढ़ाते हैं, पर खुद फॉलो इनका मैनेजमेंट नहीं कर पाता और ये इनके अगेंस्ट कितनी बात करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से डार्क साइड ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री पता चली होगी। अगर इस वीडियो में कुछ पॉइंट आप एड ऑन करना चाहते हैं तो प्लीज एड ऑन करिएगा, ताकि मैं भी उन चीजों से कुछ लर्न कर पाऊँ। देखिए, सॉल्यूशन सिर्फ एक इतना है, अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके की हरासमेंट हो सकती है आपके साथ में, तो उससे बचने के तरीके भी निकल के आते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।